तो दोस्तों आ जाइए हमारे पास में मारुति स्विफ्ट डिजायर 2019 मॉडल। तो कस्टमर का कहना है कि ये इंदौर गए थे तो रोड में कहीं पे पानी भरा हुआ था, तो इन्होंने गाड़ी निकाली वहाँ से तो पानी के अंदर गाड़ी बंद हो गई। फिर उसके बाद में इन्होंने पास में ही गैरेज था वहाँ मैकेनिक से मेरी बात करवाई, तो मैकेनिक से मैंने बोला मैंने हीटर प्लग खोल के इसका पानी वगैरह निकाल के इंजन का और स्टार्ट करो, तो उन्होंने हीटर प्लग खोल के इसका पानी वगैरह निकाला, गाड़ी स्टार्ट हो गई और फिर बंद हो गई, फिर उसके बाद में स्टार्ट नहीं हुई। तो 2-3 घंटे और परेशान हुए, तो कस्टमर परेशान हो रहे थे तो मैंने टोइंग करवा के गाड़ी गैरेज पे बुलवाई। तो पानी निकालने के बाद में ऐसा क्या हुआ गाड़ी के अंदर जो स्टार्ट होना बंद हो गई, तो चेक करते हैं इसको। तो अभी की कंडीशन तो ऐसी है कि इंजन हमारा लॉक पोजीशन पे है, तो ये हमारा BCM वगैरह में पानी नहीं गया है क्योंकि इस पर धूल लगी हुई है। तो गाड़ी में अच्छा खासा पानी भरा गया था, जो बता रहे हैं भैया कि सीट तक पानी आ गया था, सीट वगैरह सब गीली हो गई है इसकी, ब्रेक पेडल एक्सीलेटर पेडल यहाँ तक डूबा था पानी, यहाँ तक पानी आ गया था गाड़ी के अंदर। तो इग्निशन वगैरह तो हमारा पूरा आ रहा है, तो एयर फिल्टर मैंने वहीं निकलवा दिया था, मैंने कहा एयर फिल्टर निकाल दो इसका। वो तो आपने जैसे मुझे बोला नहीं, कभी भी अगर हम हीटर प्लग खोलने के बाद में सेल्फ लगाएं तो सामने का ध्यान रखें कि सामने कोई हो नहीं, क्योंकि पानी जब कंप्रेसर के साथ में जब बाहर आता है ना तो बहुत ज्यादा स्पीड रहती है उसकी। तो पानी तो उसका निकाला होगा हीटर प्लग खोल के, लेकिन स्टार्ट होके बंद क्यों हो रही है गाड़ी, या हो सकता है टर्बो लाइन में जो पानी भरा हुआ है इंटरकूलर वगैरह में, तो पानी निकाल के जब स्टार्ट करते होंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती होगी, और जैसे ही हम इंटरकूलर का पाइप लगाते होंगे तो वहां से पानी जाके वापस इंजन लॉक हो जाता होगा, ये होता होगा जो गाड़ी स्टार्ट होके बंद हो रही थी। बार बार हीटर प्लग खोल के पानी निकाल रहे थे, फिर लगा के स्टार्ट हो रही थी, फिर बंद हो जाती थी। तो स्टार्ट करके और इसका इंटरकूलर का पाइप खोलते हैं, फिर देखते हैं।
पानी का मॉइस्चर है, हल्का फुल्का अभी गर्म हवा आने लग जाएगी, फिर लगा देंगे। इसमें गर्म हवा आने, चलो भैया आ गई भैया, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। वाकई में 5 मिनट भी बिल्कुल भूल भुला ही गए तुम मुझे। ¿Ya no eres?